अस्मिता ऑर्गेनिक फार्म, सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग, SPNF जिसे हम कहते हैं, मतलब सुभाष पालेकर गुरुजी जो हैं, पद्मश्री सुभाष पालेकर, उनके बताए हुए तत्व ज्ञान नेचुरल फार्मिंग विदाउट यूजिंग एनी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, हर टाइप की हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटी एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, उसके बेसिस पे फार्म में हमने एक अलग 8 डिफरेंट प्लांटेशंस एंड क्रॉप्स के मॉड्यूल्स तैयार किए विदर्भ के अंदर। स्पेसिफिकली आप देखते हैं कि फार्मर्स इज 100% डिपेंडेंट ऑन वेदर, एंड वेदर चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, क्रॉप फेलियर हैव लेड फाइनली टू सुसाइडल डेथ्स, वन पार्ट है। सेकेंड, वर्षों सालों से जो क्रॉप पैटर्न्स चले आए हैं वो है धान, कुछ हद तक के गेहूँ, तूर, काटन, संतरा, मौसम्बी, सीताफल। तो मेरा ICAR के हेड ऑफ स्पाइसेस के फॉर्मर हेड डॉक्टर MN वेणुगोपाल जी से पिछले 1.5 साल से मैं उनसे संपर्क में आया, तब मेरे दिमाग में आया कि क्या गरम मसाला स्पाइसेस विदर्भ रीजन में एक अल्टरनेट क्रॉप पैटर्न डेवलप हो सकता है क्या। इसलिए मैंने उनसे मुलाकात की, मैसूर गया, उन्होंने मुझे कई प्लांटेशंस दिखाए और मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि सर आप अगर विदर्भ में आए, नागपुर आए, वहाँ का वेदर, क्लाइमेट, सॉइल देख करके आप अगर फार्मर्स को गाइड करें तो एक रेवोल्यूशन आ सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर में विदर्भ के अंदर। ही वॉज काइंड इनफ, इतनी उम्र के बाद भी वो यहाँ पर आए और आज बहुत ही बेहतरीन सेशन सवेरे 11 बजे से शाम में 4 बजे तक चला, जिसमें डॉक्टर MN वेणुगोपाल जी ने ये बताया कि 63 स्पाइसेस में से, गरम मसाले जो 63 टाइप के गरम मसाले हैं, उनमें से 59 गरम मसाले विदर्भ में हो सकते हैं। ब्लैक पेपर, सिर्फ महोगनी नहीं तो ड्रमस्टिक के झाड़ पे, आम के झाड़ पे, जैकफ्रूट के झाड़ पे, इन झाड़ों पर ब्लैक पेपर लग सकता है, जावित्री लग सकती है, जायफल लग सकता है, जहाँ आम लगता है वहाँ काजू लग सकता है, लीची लग सकती है। तो ये इस तरह का मार्गदर्शन उन्होंने किया, किसानों के कई सवालात थे उसका जवाब दिया, 50 से ज़्यादा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, XMLA एंड एक्स मिनिस्टर रंजीत कामले जी थे, लोकल MLA आशीष जायसवाल थे, अविनाश वाजुरकर थे और तमाम, सैयद सलीम जो DFO जो अथॉरिटी है आज की तारीख में महाराष्ट्र में या हिंदुस्तान में आप कह सकते हैं बैम्बू प्लांटेशन के ऊपर, वो थे। उन्होंने बताया कि बैम्बू किस तरह से ज़मीन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल और फर्टिलाइज़र यूज़ हुआ है और किसानों ने अपनी ज़मीन लगाना बंद कर दिया है, क्रॉप लेना बंद कर दिया है, तो वहाँ पे अगर बैम्बू का प्लांटेशन उन्होंने किया कुछ साल तक तो ज़मीन पूरी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। सुभाष पालेकर गुरुजी के साथ जो काम करते हैं, हेमंत चौहान साहब जो किसानों को उसी तरह से मार्गदर्शन करते हैं, वो भी मौजूद थे। उन्होंने नेचुरल फार्मिंग के फ़ायदे बताए कि उससे हम ज़मीन, पर्यावरण, इन सब चीज़ को हम बचा रहे हैं। तो आज ये तीनों व्यक्तिमत्व ऐसे लोग थे जो निस्वार्थ भावना से अपने जेब के पैसे खर्च करके ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर जाके किसानों को बचाने का काम, मार्गदर्शन करने का काम कर रहे थे। आज ये तीनों व्यक्ति यहाँ आए थे और तीनों ने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया है। डॉक्टर MN वेणुगोपाल ने मुझसे कहा है कि हम यहाँ पे एक मॉड्यूल 59 स्पाइसेस का हम तैयार करेंगे अस्मिता ऑर्गेनिक फार्म में, और उन्होंने अपने भाषण में कहा लोगों से कि आप 2 साल के बाद आके देखिएगा कि किस तरह से वो मॉड्यूल तैयार हुआ है, और 3rd साल से हम आपको सारे स्पाइसेस का उत्पादन, प्रोडक्शन भी हम आपको दिखाएंगे।
मुझे पूरा यकीन है कि ये 100% सक्सेस होगा कि डॉक्टर एम एन वेणुगोपाल जैसे साइंटिस्ट ICAR में जिन्होंने 32 साल काम किया और रिटायरमेंट के बाद जो व्यक्ति अपने पेंशन के पैसे से ट्रैवल करते हैं और किसानों को मार्गदर्शन करते हैं तो वो कोई गलत बात बताएंगे ऐसा हो नहीं सकता। मतलब आप जिस इंसान का विचार ऐसा हो कि मुझे पेंशन मिल रही है मुझे समाज को कुछ वापस देना है उस पेंशन के पैसे से समाज को वापस देना है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आई एम कॉन्फिडेंट कि विदर्भ के अंदर एक रेवोल्यूशन आएगा, क्रॉप पैटर्न चेंज होगा, किसानों की हालात में बड़ी तादाद में सुधार आएगा और चीजें बदलेगी विदर्भ में। आज के प्रोग्राम में कई लोग, कई अधिकारी, सारे लोग उपस्थित थे, ग्राम पंचायत के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।